वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ओप्पो A17 मोबाइल में दोस्तों आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट सेटिंग कैसे इनेबल करेंगे। दोस्तों आप अपने मोबाइल में कितने प्रकार से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। और दोस्तों आपके मोबाइल में अगर कोई भी स्क्रीनशॉट बंद है तो उसको कैसे चालू करेंगे, तो आपको करना क्या, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहला आपको करना क्या, आपको वॉल्यूम डाउन बटन और दोस्तों आपको पावर ऑन ऑफ बटन को एक साथ प्रेस करना है। और जैसे एक साथ प्रेस करते हैं दोस्तों यहाँ पे आपका स्क्रीनशॉट हो जाता है। अब दोस्तों आपको दूसरा दोस्तों आपका ऑप्शन ये है, तो आप करना है नोटिफिकेशन बार को नीचे खिसकाना है, और जैसे ही नीचे खिसकाते हैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने मिल जाता है, आपको स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है। और दोस्तों ये आपका दूसरा सेटिंग हो गया। अगर आप चाहते हैं तीसरा दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट कैसे इनेबल करते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको जहाँ भी जाते हैं और उसके बाद में 3 फिंगर को नीचे स्लाइड करते हैं, आपका स्क्रीनशॉट हो जाता है। और दोस्तों चौथा ऑप्शन एक का है, आपके मोबाइल में आप अगर चाहते हैं जितना स्क्रीनशॉट लेना उतना ले सकते हैं, तो यहाँ पे आपको करना क्या है, 3 फिंगर को प्रेस करना है। और जैसे ही दोस्तों 3 फिंगर से प्रेस करते हैं वैसे ही दोस्तों आपके मोबाइल में यहाँ पे देखते हैं 3 फिंगर से मैंने प्रेस किया और उसके बाद में तो इसको यहाँ तक खींच लिया, जितना चाहे उतना क्रॉप कर सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों मैंने क्रॉप कर लिया, उसके बाद में आपके सेव का ऑप्शन आ जाता है, सेव भी कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आप फनी ले सकते हैं, और यहाँ पे गोले का आकार है उसको गोले के आकार में ले सकते हैं, और फनी के आकार में भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जिस तरह से बना देंगे उस तरह से स्क्रीनशॉट आ जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये 4 तरीका हो गया। अगर दोस्तों आपका ये 2 तरीका बंद है, यानी कि दोस्तों आपका ये प्रेस 3 फिंगर प्रेस करने से स्क्रीनशॉट लेना बंद है तो उसको कैसे चालू करेंगे, और 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट लेना बंद है तो उसको कैसे इनेबल करेंगे, तो आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेना है। और जैसे ही मोबाइल की सेटिंग को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाता है, आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और यहाँ पे आपको कन्वीनियंस टूल्स का ऑप्शन देखने मिल जाता है, आपको उस पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पे स्क्रीनशॉट का ऑप्शन देखने मिल जाता है, आपको स्क्रीनशॉट पे क्लिक कर देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखने मिला 3 फिंगर स्वाइप डाउन, तो आपको इसके सामने टिक डिसेबल रहता है, तो आपके मोबाइल में 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट नहीं होता है। अगर दोस्तों आप चाहते हैं 3 फिंगर टच टू होल्ड, तो आपके मोबाइल में इस तरह से डिसेबल रहेगा अभी टिक, तो आपके मोबाइल में जैसे ही प्रेस करेंगे आपके मोबाइल में 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट नहीं होगा। तो आपको करना क्या, इस दोनों टिक को इनेबल करेंगे और आपके मोबाइल में स्क्रीनशॉट होने लगेगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने मोबाइल में आसानी से 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों जो भी तरीका आपको अच्छा लगा हो उस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों वीडियो से जानकारी मिली हो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक से। आज इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।